वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज असी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक नगर विखे जो कि पिछले दिन तू तुसी देख रहे हो गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक नगर विखे जो पिछली कमेटी काम कर रही सी उन्हों का पीरियड 24/2/2022 नूं खत्म होया। असी एक लैटर लैके DGPC DC साहब दे पेश होए कि सानू नवीं कमेटी बनाने का अप्रूवल दिती जाए, पर DC साहिबान ने सानू नवीं कमेटी बनाने वास्ते मनाई कीती अते सानू लिखती रूप विच दे दिता है कि जो पुरानी कमेटी काम कर रही है क्योंकि इलैक्शन अनाउंस हो चुकी है जदों तक नवी कमेटियां नहीं आउंदियां उदों तक पुरानी कमेटी ही जिथे जिथे है वो अपना काम करेगी। उन्होंने बाकायदा सानू ये लैटर दिता जिस दे विच साडे सत्कारयोग सरदार राजेंद्र सिंह जी प्रधान ने वो पूरी टीम उस तरह ही काम करेगी। ये लैटर उन्होंने सानू दिता है जो कि लीगली तौर उपर साडे प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह जी ये सेवा निभा रहे ने, पर कुछ शरारती आंसर आके बाहर ही बरांडे विच खड़े होके सरोपे पा के जाके स्टेज पर कहते हैं अज तो बाद मैं प्रधान हाँ। ये कोई गुरु की मर्यादा नहीं है, हर कोई गुरु का सिख गुरु घर विच शांति लैन आंदा है, लेकिन भाई असी संगत नूं बेनती करते हाँ संगत नूं आगाह करते हाँ कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जदों तो साडा पीरियड खत्म होया सी उदों तो लैके अज तक साडे चेयरमैन DC साहिबान ने असी केयर टेकर कोई भी काम करते हैं उन्होंने अपरूवल नाल करते हाँ। पिछले 1.5 साल तो जिहड़े साडे प्रबंध चल रहे ने गुरु घर दे वो असी अंडर द सुपरविजन ऑफ DC सारे काम चला रहे हाँ। फिर DC साहिबान ने सानू किया है कि इलैक्शन अनाउंस हो चुकी है, जब तक इलैक्शन होती कोई कमेटी लोकल तुसी चेंज नहीं करनी, उही काम करेगी। ये असी DC साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। जिस तरह कोई शरारती आंसर ने आके संगत को गुमराह करना चाहिए, मैं संगत प्रति बेनती करता हाँ साध संगत जी साड़ी जिहड़ी पुरानी कमेटी सी उही काम कर रही है, इन्हां दे बहकावे विच ना आओ। कमेटी बनाने की कोई विधि है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलैक्शन के नाल ही चुनी जाती है ते उन्हां दे कोल जिहड़े डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर गुरुद्वारा साहिबान आते हैं उन्हां दी कमेटी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाती है, लेकिन असी इस वेले इन्हां लोगों के कोर्ट विच गुहार लाने के कारण असी अज DC साहब के अंडर चल रहे हाँ। गुरु घर के जितने भी प्रबंध ने वो असी DC साहब तो अप्रूवल लैके ही चलाते हाँ। असी फाइनैंशियल कमिश्नर अते DC साहिबान का कोटान कोट धनवाद करते हाँ, धनवादी हाँ जिन्होंने लीगली तौर पर सारिया कमेटियां नूं कहा है कि जितनी भी लोकल कमेटियां जब तक नवी इलैक्शन होकर नवे चेहरे नहीं आते उदों तक पुरानी कमेटियां ही काम करनगियां, असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ। ताकि इस तरह सुचारू ढंग नाल ये कमेटी अगला जब तक नवी कमेटी बनती DGPC नवी आती होंद विच उदों तक यह काम निभाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सरसा संघ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सकत्र साहब ने आप जी ब्रीफ किया है। सतसंग जी कुछ लोगों ने यह रवायत बना दी है कि किसी भी आप कुछ करना नहीं तो किसी ने कुछ कर देना नहीं। ये जो कमेटी सी इधर बनाने का तरीकाकार है, अगर अस 2 साल की कमेटी बनाने 2 साल बाद कमेटी से चेंज करते हैं, और अज अगर अस चेंज कर लगे हाँ इलैक्शन अनाउंस हो चुकिया ने, उस करके DC साहब ने कहा था कि पुरानी कमेटी कंटिन्यू करे। मैं इन्हां अपने आप बने प्रधान नूं पुछना चाहना कि हर गल का कोई तरीकाकार है। अगर असी रोड़ां ते खड़े हो के एक दूजे नूं सरोपा पा के प्रधान बनना है, कल नूं हर कोई बंदे 10 बंदे लै के आएगा सरोपा पा के प्रधान बन जाएगा। सत संगत जी ये शरारती अंसर लोग ने, यह नहीं चाहते, ये दूजे तंजीमां दा नां लैके बदनाम करते ना। मैं इन्हां नूं कह रहा कि तुहाडे आउंदे आ किसी होर तंजीम नूं साडे काम डिस्टर्ब करन दी लोड़ नहीं, तुसीं बहुत ज़्यादा हो। इस करके असीं नहीं सी चाहते कि यह चीज़ जिहड़ी है मीडिया विच आए, बट इन्हां लोकां ने इन्ना वड्डा कन्फ्यूजन पा दित्ता संगत
कि सानू क्लीयर करना बहुत जरूरी है कि हुण इलैक्शन अनाउंस हो चुकी है, जब तक इलैक्शन नहीं अनाउंस होती इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टेटस को। और जिहड़ी नवीं कमेटी आएगी वो जिहड़ी कमेटी जो अपने हिसाब नाल तब्दील करना चाहे कर सकती है। इस करके इन्हां शरारती अंसरां दे बहकावे च ना आके साध संगत जी गुरु घर आओ, गुरु की खुशी प्राप्त करो, सेवा करो और बाकी जो पुरानी कमेटी है ये एज इट इज़ कंटिन्यू करेगी। और असीं एक बहुत जल्दी एक समागम एक कराने जा रहे हैं इत्थे सिंह सभा गुरु नानक नगर विखे और वह भी आप जी ने इश्तहारा राही और मीडिया राही जाणू कराया जाएगा। अखरबाद कटपुर चुकमाफ, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।